Circus, one of the oldest forms of entertainment, was presented to the world in the 18th century by Philip Astley. The first thought of circus takes us into a world of fascination. It is a witness of seeing a world of magic coming true. The vibrant colors, the fearless acts of the acrobats, smiling through every situation gestures, and the obedient animals performing never-seen-before acts. My name is Sanjeev Balgopal. I'm the partner of the circus. The circus was founded in 1920 in Sindh, Hyderabad. Now it's in Pakistan. It was started by Babu Rao Kadam from Sangli. My grandfather joined him in 1940. His name was K.M. Kunjikannan. After 1993, my brother Dilip and myself, Sanjeev, we are running this show. My name is Tulsidas Chaudhary. I'm going to be here in Chhapra district. In Great Bombay Circus, we have been 57 years old. Our age is now 72. I'm working in the Joker. When I was working in the circus, I wanted to come. This circus was playing in my village, in Chhapra district. तब मैं सर्कस देखने का आते रहता था, स्कूल पढ़ता था उस टाइम, छः क्लास पास हूँ मैं। मेरा नाम सूरज यादव है और मैं गुजरात से हूँ। मैं सर्कस में बॉल गाइड करता हूँ, जगलिंग, और फिर एक टॉप का है और जिमनास्टिक का है, दो तीन एक्ट करता हूँ। बचपन से मेरा पूरा बचपन सर्कस में गुजरा है। एनिमल्स के बीच में हाथी वाथी सब मैंने बचपन से देखा है। मेरे जो दादा दादी थे वो भी सर्कस में ही है। मेरे मम्मी पापा भी, उन्होंने भी इस सर्कस में काम किया और मैं भी इस सर्कस में, मतलब हमारा तीसरा पीढ़ी जो है इस सर्कस में हम काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ऑडियंस का भी हमारे काम से खुश होना चाहिए, चाहे वो कितने भी मिनट का एक्ट हो, दो मिनट, तीन मिनट, पाँच मिनट का एक्ट हो, ऑडियंस हमारा काम देख के खुश होना चाहिए। और हमको कब मालूम, जब वो खुश होकर ताली मारते तो हमको लगता है हाँ, उनको हमारा काम पसंद आया, हम उसी में खुश है, और कुछ नहीं चाहिए। जब वो खुश होते हैं, ज़्यादा ऑडियंस आते हैं, हमको लगता है हाँ चलो हमारा काम पसंद आ रहा है उनको। हाँ सर, ना पब्लिक हंसे तो अपने को भी दिल खुश होता है ना। अगर पब्लिक रोएगी तो अपने को भी दुख लगेगा। जोकर लोग हंसाते थे तो मुझे भी, मैं भी सोचता पब्लिक को हंसाऊंगा, जोकर बनूंगा। मुझे बहुत तमन्ना थी जोकर बनने के। It's just mesmerizing to see it live, but this world is dying. एनिमल जो अभी सरकार ने बंद किया, इससे बहुत फर्क पड़ गया है। पहले बहुत सारे एनिमल्स थे, शेर थे, हाथी बहुत थे, अब सभी जानवरों को लेके चलना बहुत तकलीफ हो गया है, तो इसलिए सर्कस में थोड़ा फर्क पड़ा इस चीज़ का। Nowadays it's very difficult to run the circus because the animal ban has created the biggest hurdle for us. Because people identify circus with animal performances, especially the rural folk, and they are very disappointed when they come to see the circus and they don't see elephants, lions, tigers, bears are performing. Circus के लिए बहुत देखने के लिए आदमी लोग बहुत तरसते थे, भाग भाग के आते थे सर्कस देखने के लिए। अभी क्या है, सर्कसों में कुछ पहले का माफी कभी नहीं है, बहुत से मनोरंजन का साधन निकल गया, खुल गया, इसके लिए पब्लिक लोगों को टाइम उसमें पास हो जाता है। फिर भी आता है पब्लिक सर्कस देखने के लिए। सर्कस एक ऐसा चीज़ है, एक दफ़ा सर्कस देखना जरूरी है, वो सोच के जरूर आता पब्लिक लोग, यानी सर्कस में क्या है, कैसा है, वो सोच के आता है पब्लिक। अब बुरा तो लगता है क्योंकि हम एकदम लाइव शो करते हैं, अब जितना भी मूवी सब देख लो, पूरा सब डबिंग है, कट होता है, हमको जो भी है लाइव शो, हमारा ढाई दो घंटा तीन घंटे का जो भी शो है, सबके सामने हमको एक ही मौका मिलता है। और टीवी पे तो उनको बहुत मौके मिलते हैं, कट करो, ये करो, फिर हमको एक ही मौका है, जो भी है, चाहे वो फ्लाइंग टर्पीस का कोई भी एक्ट है, एक ही बार हमको लाइव करके दिखाना पड़ता है। तो वो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। सर्कस में नहीं आने का कारण एक तो एनिमल से, ऊपर से क्या आजकल इतने कार्टून चैनल सब आ गए हैं और बच्चों के पास में इतने वीडियो गेम सब आ गए, तो उनके पास सर्कस का टाइम नहीं है। जो भी टाइम मिलता है, पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, जो टाइम मिलता है घर से बाहर निकलते नहीं है। आजकल तो लोग गेम भी ज़्यादा बाहर खेलते हैं, जो भी है घर के अंदर ही गेम टीवी में ही लोग का वक्त निकल जाता है, इसलिए सर्कस की तरफ उनका थोड़ा क्रेज कम हो गया है। The home of magic is now losing its charm to the digital world. Children who couldn't control their excitement for a show to the circus are now unaware of what happens there. We had a lot of political patronage, right from the era of Nehru era. Then we had Indira Gandhi, Tamil Nadu chief ministers, Kamaraj, MGR. All the famous politicians have visited the circus. Politicians always favored circus.
Now it's just the opposite. They are after film stars. From being patronized by the biggest celebrities and political powers, to today being left desolate and uncredited. This form of art will definitely die because of political apathy towards the industry. थोड़ा फीलिंग होता है ऑडियंस कम आने से थोड़ा फीलिंग होता है कि हम लोग इतना बड़ा कंपनी है अगर मालिक के पास पैसा आएगा जब भी तो चलाएंगे ना अगर पैसा नहीं रहेगा तो कैसे चलाएंगे सबको पेमेंट देना पड़ता है खाना देना पड़ता है पब्लिक कम आने से तो अच्छा नहीं लगता ना पब्लिक ज़्यादा आने से हम लोगों को भी अच्छा है ये थोड़ा हमारे लिए बहुत उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारा पूरा खानदान सर्कस में ही निकला है हमको इसके बाहर कुछ पता नहीं मैं कभी स्कूल भी नहीं गया क्योंकि बचपन से सर्कस में था सर्कस सिखाया मेरे दादा दादी मेरे मम्मी पापा अब मैं तो अब मेरा बच्चा तो स्कूल जा रहा है अब तो उसका मैंने पढ़ाई के लिए डाल दिया उसको अभी वो 2.5 साल का है तो उसको अभी मैंने एक हफ्ता पहले ही प्ले ग्रुप में डाला है मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब तक हूँ जब तक सर्कस चले चाहे मेरा बेटा इसमें शायद ना आएगा जब तक सर्कस रहेगा भी नहीं पर सर्कस चलना चाहिए अगर सर्कस खत्म हो गया तो लोगों का मनोरंजन खत्म हो जाएगा हम लोग लाइव शो करने वाले और हमको इसके अलावा कुछ आता भी तो इसके आगे हमारा क्या भविष्य होगा ये थोड़ा सोच के टेंशन होता है Is the era of live performance over or can we revive it? Can we support it? Can we encourage the heroes of the circus whose life was circus and whose every act is a jaw-dropping performance? Because Bombay Circus that once entertained every known celebrity, right from the Prime Minister to actors and a common man, is coming to an end. Let us support the circus to continue for generations, for it has entertained generations before.